लड़के हमेशा खड़े रहे। खड़े रहना उनकी मजबूरी नहीं रही, बस उन्हें कहा गया हर बार, चलो तुम तो लड़के हो, खड़े हो जाओ। छोटी छोटी बातों पर वे खड़े रहे, कभी कक्षा के बाहर, कभी कक्षा के अंदर। स्कूल की विदाई पर जब ली गई ग्रुप फोटो, लड़कियां हमेशा आगे बैठी, लड़के बगल में हाथ दिए पीछे खड़े रहे। वे तस्वीरों में आज तक खड़े। बहन के साथ घर के काम में कोई भारी सामान थाम कर वो खड़े रहे। बहन की शादी में मंडप के बाहर बारात का स्वागत करने के लिए वो खड़े रहे। खड़े रहे रात भर हलवाई के पास कि खाने में कोई कमी ना रहे। खड़े रहे खाने की स्टॉल के साथ कि स्वाद कहीं खत्म ना हो जाए। खड़े रहे विदाई तक, कभी दरवाजे के सहारे, कभी दीवार के सहारे। टेंट के अंतिम पाइप के उखड़ जाने तक वो खड़े रहे। बहनें बेटियां जब वापस आएंगी वो खड़े ही मिलेंगे। वो खड़े रहे पत्नी को सीट पर बैठा कर, बस या ट्रेन की खिड़की थाम कर वो खड़े रहे। माँ के ऑपरेशन के समय ओटी के बाहर घंटों वो खड़े रहे। पिता की मौत पर अर्थी से अंतिम लकड़ी के जल जाने तक वो खड़े रहे। अस्थियां बहाते हुए गंगा के बर्फ से पानी में भी वो खड़े रहे। जीवन के हर मोड़ पर, कभी बेटा बनकर, कभी भाई बनकर, कभी पति बनकर, कभी पिता बनकर, परिवार की हर जिम्मेदारी को निभाकर वो आज भी तो सिर्फ खड़े ही हैं। लड़कों, रीढ़ तो तुम्हारी पीठ में भी होगी, पर क्या ये कभी अकड़ती नहीं?